देख रहे हैं गुप्त न्यूज। मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। मुंगेर में 32 कहारों के कंधे पर निकली मां मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी का विसर्जन यात्रा। विसर्जन यात्रा में लाखों के तादाद में शायद शामिल हुए भक्तजन। मुंगेर में यह अनोखी परंपरा है जहां मां विसर्जन के लिए कंधों पर ही जाती है। विसर्जन रूट पे गंगा जल से धोने के अलावा हर जगह मां का स्वागत में रंगोली, 56 प्रकार के भोग, नाच गान अखाड़ों के साथ चलते हैं भक्तजन। मुंगेर जहां देश में बंगाल की दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है उनका काफ़ी नाम है, पर मुंगेर में मां का विसर्जन यात्रा पूरे देश में नामी है। इसलिए है क्योंकि यही यज्ञ मां के प्रतिमा के विसर्जन किसी वाहन पर नहीं बल्कि 32 कहारों के कंधे पर होती है। और ख़ासकर मुंगेर की बड़ी देवी मां का विसर्जन जिसमें शामिल होने हैं लाखों लोग, हर कोई मां को कहार के साथ कंधा देने के लिए ललायित रहते हैं। मंदिर से लेकर सोझी घाट तक के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। मां के विसर्जन रूट को गंगा जल से धोने के साथ साथ हर जगह मां के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा के साथ 56 प्रकार के भोग और नाच गान रंगोली अखाड़ों जिनमें सेवक द्वारा तरह तरह के कर्तव्य दिखा शक्ति प्रदर्शन करते हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा का विशेष इंतजाम किए जाते हैं। हर जगह भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती होती है और कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। यहाँ तो सामाजिक और राजनीतिक पार्टियां द्वारा सेवा शिविर लगाया जाता है जहां विसर्जन देखने आए लाखों भक्तों के लिए दवा से लेकर पानी तक की व्यवस्था रहती है। यहां ग्रामीण स्तर से जिले के 5 जगह से यहां आते हैं पुजारी जो कि अपने आप को पूजा ध्यान में मग्न दिखते हैं। जहां मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा व जमुई के श्रद्धालु इस माँ के दर्शन के लिए बड़े चाव से आते हैं तथा अपने मन्नतें मानते हैं, जिस मन्नतों के चलते उन्हें मनोकामना पूरी होती है। माँ की प्रतिमा विसर्जन के दौरान अनेक श्रद्धालु उन्हें प्रणाम करने की लत तो नहीं बल्कि वो पुलिस के चौक चौबंद में मंदिर के से चलकर सोझी घाट तक जाते हैं जहाँ श्रद्धालु की भीड़ रहती है। डंका गोल अखाड़े का भी अपना कर्तव्य दिखाते हैं। वहीं महिलाएं भी अपनी कर्तव्य ध्वनि को गाते हुए मां का साथ चलते हैं जो मां को अपने स्थान से उठकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। वहीं श्रद्धालु इसको सहन करते हुए मां के दर्शन के लिए आगे आते हैं और उन्होंने यही कार्य के लिए तमाम लोगों से विनती करते हैं कि मां का दर्शन ही दुर्लभ है। मां जब भी मंदिर से निकलती है तो 32 कहारों के कंधे पर इनकी डोली जाती है, किसी ट्रॉली, वाहन या किसी तरह का नहीं। मां अपने कंधे देने के लिए कुछ भक्त ही सीमित हैं जो इनके ही इर्द गिर्द मर्राते रहते हैं। मां अपने डोली के साथ तमाम भक्तजनों को लेकर जाते हैं तथा वो अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए मां का कंधा देते हैं और कंधे के सहारे 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। जगह जगह पुलिस पिकेट रहती है। पुलिस की देखरेख में बड़ी दुर्गा मां का विसर्जन होता है। लोग इसे सोझी घाट जाने के साथ ही पुलिस अपने घेरे में लेते हैं और पुलिस द्वारा कर्तव्य दिखाने वाले भी उनका सहयोग करते हैं। इस संबंध में उन्होंने बताए कि आज से नहीं, ये परंपरा लंबी उम्र से चली आ रही है कि मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां आते हैं और अपने श्रद्धा का सुमन अर्पित कर चंद तरह के मन्नतें मानते हैं जो मां पूर्ण करती है और इसके लिए मां सदैव भक्तों के लिए तैयार रहती है। यहाँ के लोगों में एक आस्था का प्रतीक है बड़ी दुर्गा महारानी जो सादीपुर तिलक मैदान से चलकर मुंगेर नगर के नगर निगम को होते हुए प्रदक्षिणा करते हुए कंधे के सहारे पूजा स्थल से लेकर
अपने विसर्जन स्थल तक जाते हैं। सोजी घाट में इनका विसर्जन पहले होता है। इनके पीछे तमाम पूजा पंडाल संचालकों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाते हुए अपने घेरा डालते हुए माँ के स्थल तक चलते हैं, जहाँ इनकी तमाम जेवरात खोल के रख ली जाती है। फिर आरक्षी अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के समक्ष ये सील किया जाता है और मंदिर पहुंचाई जाती है।